नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इंडिया के ऊपर। आपको पता है कोरोना एक भयंकर तरीका का एक महामारी का रूप ले चुका है। वर्ल्ड की नज़रें भारत के ऊपर टिक चुकी हैं। जी हाँ, इसी को देखते हुए हर इंसान जो डरता है, आपको पता है कोविड की वजह से भाई सब पूरी दुनिया डरती है। तो जिन देशों में इसको कंट्रोल कर लिया गया वो नहीं चाहते कि हमारे देश में अभी ये प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हो। जी हाँ, अब UAE जैसी कंट्री जब भारत के ऊपर बैन कर दे फ्लाइटें तो भाई आपको पता है फिर दिक्कत तो होने वाली है। जी हाँ, तो मैं बता दूं आप क्या जानना चाहते हो कि भाई अब तक कितने देशों ने भारत के ऊपर बैन कर दिया, फ्लाइटें बैन कर दी हैं। जी हाँ, लगभग 12 देशों की लिस्ट तो मेरे पास है, बाकी हो सकता है एक दो दिन में अभी और बढ़ गई होगी, उसका हम कह नहीं सकते। लेकिन अभी आज की डेट तक मैं बता दूं, 26 अप्रैल तक की डेट तक 12 देशों ने बैन करके रखा है। कुछ देशों ने सख्ती की है, कुछ देशों ने बिल्कुल बैन कर दिया है। सख्ती का मतलब क्या होता है भाई, जाने में दिक्कत है। जी हाँ, तो हम डिटेल से बताएंगे भाई वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने भारत के कोविड को देखते हुए फ्लाइटें बैन कर दी हैं। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। देखिए कारण क्या है, फ्लाइटें कैसे बंद हुई, कब तक बंद हो सकती हैं, किन शर्तों के साथ होगी, इन सब हम डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनाडा। जी हाँ भाई, कनाडा ने भी रोक लगा दी है भारत की फ्लाइटों पे आने वाले 30 दिनों तक। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी बैन है भाई, पाकिस्तानी फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं 30 दिनों तक के लिए। जी हाँ, सेकेंड नंबर पर बात कर लेते हैं ओमान। जी हाँ, ओमान ने भी भाई 24 अप्रैल से फ्लाइटें बंद कर दी हैं भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों देशों की। जी हाँ, अभी की लेटेस्ट की न्यूज़ की बात करें अभी तक ओमान की फ्लाइटें चालू थी, लोग जा रहे थे, लेकिन अभी तक बंद कर दी हैं। जी हाँ, ब्रिटेन की बात करें तो भाई ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। रेड लिस्ट का मतलब होता है खतरे की घंटी वाली कंट्री। जी हाँ, नहीं तो वो देशों में इंटरेस्टेड होते हैं बुलाने के लिए, नहीं वो वहां पे आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। रेड लिस्ट में डाल दी यानी खतरे वाला देश है, यहाँ पे आना जाना बिल्कुल बंद है। इस देश में जो कोई भी भारत में 10 दिन रह के आता है उस देश को, उस बंदे को ब्रिटेन में एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने रूल बना दिया। जी हाँ, आगे बात करें भाई UAE दुबई के बारे में बात कर लेते हैं। दुबई आपको पता है भाई कोविड में भी फ्लाइटें चालू थी और बंद नहीं थी, लेकिन अभी जो महामारी ने भयंकर रूप लिया, 3 लाख पर डे से ज़्यादा केस आने लगे हैं, हज़ारों की मौत डेली हो रही है। तो इस वजह से को देखते हुए भाई UAE भी रिस्क नहीं लेना चाहता, वो नहीं चाहता कि हमें भी ये प्रॉब्लम की समस्या का सामना करना पड़े। जी हाँ, तो उन्होंने पहले 96 घंटे की रिपोर्ट टेस्टिंग करी, फिर 72 घंटे, फिर कुछ टाइम के लिए 48 घंटे कर दी थी, फिर आपको पता है 22 तारीख को रूल कर दिया, नियम बना दिया कि भाई 24 अप्रैल रात 12 बजे से हम फ्लाइटें बंद कर देंगे इंडिया के लिए। हालांकि ये 10 दिनों का एक स्टॉप दिया गया है। 10 दिनों का मतलब ये मत समझना कि फ्लाइटें चालू हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि 10 दिन तक स्टॉप किया है। आगे कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अगर कोविड कम हो रहा है इंडिया में, आंकड़े कम हो रहे हैं तो, लेकिन आपको पता है भाई अप्रैल मई तक में मुझे नहीं लगता मई के अंदर लास्ट तक भी आंकड़े कम होने वाले हैं। जी हाँ, एक छोटा सा शहर मेरा जो बैंकर 2020 में कोविड था उसमें भी 100 से ज़्यादा आंकड़े नहीं गए। अभी की डेट की बात करें 26 अप्रैल को सीकर में 800 से ऊपर केस आए हैं, छोटा सा जिले की बात करें तो आप समझ सकते हैं इतना आसान तो मुझे नहीं लगता आसान होगा। UAE की फ्लाइटें काफ़ी लंबे टाइम तक बंद रहने वाली हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। जी हाँ, इन्हें आगे ये भी बताया कि भाई जो लोग भारत में 10 दिन से ज़्यादा रुके हैं उनको दुबई में एंट्री नहीं मिलेगी। जी हाँ, उसमें UAE के नागरिक को एंट्री मिल सकती है, अगर इंडिया में कोई UAE का बंदा है उसको एंट्री मिल जाएगी। राजनयिक यानी सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो राजनीतिक पासपोर्ट होता है उनका अलग तरीके का पासपोर्ट, उनको एंट्री मिल जाएगी। सरकारी बंदे होते हैं उनको एंट्री मिल जाएगी, बाकी आम आदमी के लिए एंट्री नहीं है दुबई UAE के लिए। जी हाँ, आगे बात कर लेते हैं भाई 5 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने भी सख्ती कर दी है, हालांकि पाबंदी है 72 घंटे का कोविड का रिपोर्ट लेके जाना है वगैरह वगैरह, हालांकि बंद नहीं हुआ है लेकिन सख्ती ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लिए कर दी है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जो PM है उन्होंने साफ अपने बयान में भी घोषणा कर दी है कि भी जो कोविड-19 में जो देश उच्च श्रेणी में रेड श्रेणी में आ रहे हैं यानी जहाँ पे हद से ज़्यादा आंकड़े हैं उन देशों पर हम कंट्रोल करेंगे। लगभग 30% फ्लाइटें कम कर दी हैं और पाबंदी कर दी है। जी हाँ, 72 घंटे की रिपोर्ट भी लेके जानी होगी साथ में। अमेरिका, जी हाँ भाई, अमेरिका ने भी साफ साफ अपने बयान में बोल दिया, हालांकि कंट्रोल फ्लाइटें स्टॉप नहीं हुई हैं, लेकिन साफ साफ बोल दिया कि भी भारत की यात्रा करने से बचें, अभी वहां पे कोविड चरम पे है तो इसके बचने की जरूरत है, अपने यात्रियों को बोल दिया। तो एक तरीके से बैन इसको समझ सकते हैं आप। जी हाँ,
कुवैत ने आपको पता है भाई पहले से फ्लाइटें इंडिया के लिए बंद हैं, सऊदी की आपको पता है सऊदी फ्लाइटें सब बंद हैं, सिंगापुर की आपको पता है काफ़ी टाइम से सिंगापुर की फ्लाइटें पहले भी बंद थी, हालांकि अभी फ्लाइटें चल रही हैं लेकिन वो नहीं चल रही जो आप सोचना चाहते हैं, बाकी वो वंदे भारत मिशन के थ्रू थोड़ी बहुत फ्लाइटें हैं, बाकी कुछ नहीं है। हांगकॉन्ग ने आपको पता है मैंने बताया था 20 अप्रैल से फ्लाइटें बंद कर दी थी इंडिया और पाकिस्तान दोनों की। न्यूजीलैंड, जी हाँ न्यूजीलैंड की भी यही स्थिति है, एकदम सख्ती के सख्ती कर दी है भाई फ्लाइटों के ऊपर, कोई बहुत कम चांस में फ्लाइटें हैं बाकी वो नॉर्मल फ्लाइटें नहीं चल रही हैं। फ्रांस की भी यही स्थिति है भाई, फ्रांस ने भी कंट्रोल करके रखा है फ्लाइटों पे क्योंकि वो नहीं चाहते हमारे देश में कोरोना बढ़े। तो साथियों ये 12 देशों की लिस्ट मेरे पास थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब एजेंट आपको किस तरह से बेवकूफ बना के इन देशों का वीजा दे रहे हैं, ऑफर लेटर दे रहे हैं, वो तो एक अलग इश्यू रहेगा, उस पर आपको सोचना चाहिए। बाकी इन देशों में इंडिया के लिए फ्लाइटों के लिए सख्ती है भाई, ये सख्ती कब तक रहती है, आगे क्या अपडेट आती है हम आप लोगों को जरूर शेयर करते रहेंगे। कारण की बात करें तो सिर्फ कोविड है, कोविड का ही रीजन है और कोई कारण नहीं है, इसी की वजह से फ्लाइटें बंद कर दी है। कब तक की फ्लाइटें बंद रह सकती हैं तो इसका आंसर तो भाई आने वाले टाइम में पे ही पता लगेगा, इंडिया के कोविड के स्तर का पता लगेगा, उस हिसाब से फ्लाइटों का होगा। और शर्तें यही है कि कुछ देश हैं इंडिया के लिए फ्लाइटें अभी कोविड की रिपोर्ट वगैरह सख्ती के साथ हैं, बाकी वो मजे वाली बात नहीं है जो आप आराम से जाना चाहते हैं। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।